ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा है, ठीक है ना। आप ये बताओ लोकतंत्र में ये पंजाब है, ये हरियाणा है, क्या हम आ नहीं सकते क्या? न सैनिकों के बारे में, न किसानों के बारे में, न मजदूरों के बारे में इतना वो कुछ भी नहीं करे, केवल ढकोसले हैं। नमस्कार, मैं कशिश और स्वागत है आपका लीडिंग भारत में। अगर देखा जाए किसान आंदोलन, 2 साल पहले भी वही तस्वीरें सामने आई थी, लेकिन इस बार की जो तस्वीरें वो कहीं ना कहीं रोंगटे खड़े कर देने वाली है। क्योंकि देखा जाए पिछली बार किसान आते हैं और अलग अलग बॉर्डर्स पर बैठे हुए नजर आते हैं, सिर्फ अपनी मांगे लेकर आते हैं, MSP का मुद्दा था। लेकिन अब वहीं पर देखा जाए तो यहाँ पर तमाम ऐसी मांगे हैं, तमाम ऐसी चीज़ें हैं जो किसान जो है वो लेकर आए हैं, लेकिन सरकार के कानों पर जू तक नहीं रेंगती हुई नजर आ रही है। और इस बार अगर देखा जाए तो शंभू बॉर्डर पर हम मौजूद हैं और शंभू बॉर्डर पर ही अभी तक किसान आए हैं। 10,000 लोगों की संख्या यहां पर बताई जा रही है। अगर कहीं ना कहीं यहां पर देखा जाए तो 10,000 किसान कम बात नहीं होती है। और यहां पर लगातार हम बाहर खड़े हुए, अंदर मीडिया कर्मियों को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और क्योंकि देखा जाए तो तमाम लोगों को यहां पर गोली लग चुकी है या फिर बेहोश हो चुके हैं या फिर कह लीजिए घायल हो चुके, उसमें किसान हो या पुलिसकर्मी हो। और साथ ही साथ यहां पर बाहर भी खड़े होने के बावजूद भी जो आवाजें आ रही है आंसू गैस गोली की, तो वो काफी बड़े सवाल खड़े कर रही है कि किसानों के साथ, अन्नदाताओं के साथ इस तरीके का व्यवहार क्यों। वही अन्नदाता जिनको पिछली बारी खालिस्तानी, आतंकवादी, देशद्रोही, ना जाने कैसे कैसे शब्दों के नाम से बुलाया गया था। मैं आपको कुछ तस्वीरें दिखाना चाहूंगी कि इस वक्त हम यहाँ पर मौजूद है, तमाम यहाँ पर पुलिसकर्मी हैं, अंदर जाने की इजाजत बिल्कुल नहीं दी जा रही है, मीडिया कर्मी भी यहाँ पर है, बाहर से ही लगातार अपडेट्स दी जा रही है जनता को। कुछ लोग इधर भी खड़े हैं जो लगातार अपनी बात रखते हुए नजर आते हैं, या फिर कह लीजिए मीडिया कर्मी ही कुछ लोग हैं यहाँ पर जो लगातार यही कहते हैं कि यहाँ पर अंदर जाने की इजाजत नहीं है। लेकिन अभी भी यही सवाल बना हुआ है कि जब तमाम मांगे यहाँ पर जो कहते हैं किसान कि हम अपने हक के लिए लड़ाई करने आए हैं, हक की मांग यहाँ पर कर, तो सरकार क्या वो सारी चीजें नहीं सुन रही है। दूसरी तरफ देखा जाए मोदी जी UAE पहुंच जाते हैं, शेख साहब से वहाँ पर मुलाकातें करते नजर आते हैं, राहुल गांधी यहाँ पर फोन पे बातचीत करते नजर आते हैं किसान से जिसकी आंख में चोट लगी है। वही मायावती कहती है कि हक की मांग कर रहे हैं तो हक यहाँ पर सरकार को देना चाहिए। वही अखिलेश यादव भी यहाँ पर कहते हैं कि अन्नदाताओं की जरूर सुननी चाहिए। यही सवाल लगातार यहाँ पर बने हुए हैं। लेकिन कहीं ना कहीं देखा जाए तो एक तरफ 24 के चुनाव है और 24 के चुनावों पर क्या एक बार फिर से ये जो मुद्दा है यहाँ पर किसान आंदोलन का वो भारी पड़ता नजर आएगा? क्या यहाँ पर किसान अन्नदाता जो है वो इसी तरीके से नाराजगी दिखाते नजर आएंगे, या फिर जो दिल्ली में कूच करने की कोशिश की जा रही है क्या वो पूरी हो पाएगी, नहीं हो पाएगी? यही सवाल बना हुआ है। 16 तारीख को भारत बंद की अनाउंसमेंट यहाँ पर पहले ही हो चुकी, तो देखना यह है कि आखिरकार अब यहां पर सरकार कोई कदम उठाती नजर नहीं आती तो क्या एक बार फिर से कूच करेंगे दिल्ली के किसान, यह सवाल लगातार यहां पर बना हुआ है। सर नाम बताइए अपना। जी नमस्कार, रामपाल। कहां से आए? जी जज्जर से। जी मैं ये चाह रहा हूं कि जी किसानों के साथ अत्याचार हो रहा है। अच्छा, हाँ जी। लेकिन यहाँ पर सरकार के लिए कि किसान जो मांग कर रहे हैं वो पूरी तरीके से गलत है? नहीं जी, वो बिल्कुल जो सरकार जो बोल रही है वो बिल्कुल ही गलत है। जो किसानों की मांग है वो बिल्कुल ही जायज है, ठीक है ना। मैं भी एक किसान का बेटा हूँ, ठीक है ना। हमने खेती में जो किया है उसके मुताबिक है, हमारे को रेट ही नहीं मिल रहा, ठीक है ना। मोदी सरकार है, जो मोदी साहब जो प्रधानमंत्री जी है, उसे निवेदन है हाथ जोड़ के कि ग्राउंड में हकीकत में उसको जानो किसानों की क्या हकीकत है। लेकिन क्या? मांग आप कर रहे हैं, किसान मांग कर रहे हैं, तो क्या जिस तरीके से यहाँ पर हुड़दंग मचा रखा है किसानों, क्या वो बिल्कुल सही है? नहीं, उड़दंग तो नहीं है, लेकिन ये रास्ता ही बंद कर रहे हैं तो ये तो लोकतांत्रिक। पिछली बार देखा था दिल्ली में कूच की थी यहाँ पर किसानों ने, अलग अलग बॉर्डर्स पे बैठे थे, आम जनता को निकलने में कितनी परेशानी हुई? जी परेशानी तो है, लेकिन लोकतंत्र में अपनी मांग को तो रख सकते हैं ना। अभी ये है, ये तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना रखा है, ठीक है ना। अब ये बताओ लोकतंत्र में ये पंजाब है, ये हरियाणा है, क्या हम आ नहीं सकते क्या? तो ठीक से नहीं, इतना बड़ा अन्याय क्यों कर रहे हैं? क्योंकि BJP सरकार है, सेंटर में है, अभी खट्टर साहब है इधर हरियाणा में है, भाई ये इशू बंद कर दो जी। लेकिन सरकार तो लगातार यही कहती नजर आती है कि किसान के लिए, उसके लिए हमने बहुत सारा काम किया, सम्मान निधि योजना लेकर आए हैं, तमाम ऐसे लोन पास किए हमने, सरकार तो लगातार यही कहती है जी। क्या किया है? कुछ भी तो नहीं किया है। आज के टाइम में किसान है सबसे दयनीय स्थिति में है। ये बताइए आपने क्या, उन्होंने क्या किया है? 2,000 रुपये माले 6,000 रुपये उन्होंने जो किया है तो साल में क्या है? आज के टाइम में, महंगाई के टाइम में, जिसकी तनख्वाह जो कर्मचारियों की है और उनकी है, कितनी कितनी क्या 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 है ये बताइए। अब पिछली बार की अगर बात की जाए यहाँ पर,
पिछली बार की अगर बात की जाए यहाँ पर, तो कहा यह जा रहा था कि जो पिछले किसान आए थे उसमें से कुछ खालिस्तानी थे, कुछ आतंकवादी थे, कुछ देशद्रोही थे, इस तरीके की सरकार इस्तेमाल कर रही थी शब्द। ये केवल राजनीतिक प्रोपेगंडा है, एक्चुअल में है किसानों की बिल्कुल ही दयनीय स्थिति है, उसको उसके बारे में सुधारा जाए, बस यही मेरे मोदी सरकार से ये वो एक सैनिक और किसान के बारे में है ना, वो एक है वो करे, ठीक है, न सैनिकों के बारे में, न किसानों के बारे में, न मजदूरों के बारे में, इतना वो कुछ भी नहीं करे, केवल ढकोसले हैं और बाकी सच्चाई ग्राउंड में कुछ भी नहीं है जी। सर अंदर क्या माहौल है, मैम क्या माहौल हो रखा है? माहौल तो मैम तनावपूर्ण ही चल रहा है, बाकी वैसे ठीक है, कोई ऐसी बात सब ठीक है। कह रहे हैं कि पुलिस वाले हमें जीने नहीं दे रहे अंदर। नहीं 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 मैम, पुलिस किसी को तंग नहीं कर रही जी, बिल्कुल। यहाँ पर आपने सुना है कि आम इंसान हो या फिर पुलिस हो, लगातार यही कहते नजर आ रहे हैं कि यहाँ पर जो जिस तरीके से बताया जा रहा है वैसा कुछ नहीं है, यहाँ पर सरकार भी झूठ बोल रही है, और कहीं ना कहीं देखा जाए तस्वीरें लगातार सामने आ रही है, तो देखना यही है कि आखिरकार क्या हकीकत है और क्या कुछ छुपाया जा रहा है, उसको लेकर लगातार अपडेट्स आपको देते रहेंगे।